बिजनेस वुमेन चीनू काला का 300 रुपए से 15 करोड़ तक का सफर। अगर आपने अपने जीने का नजरिया सकारात्मक सोच के साथ क्रिएट किया है तो यकीन मानिए आपको कोई भी हरा नहीं सकता। इसी बात का जीता जागता उदाहरण है फैशन एक्सेसरी ऑनलाइन ब्रांड रिबॉन्स एक्सेसरीज की ओनर चीनू काला, जिन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में महज 300 रुपए होने के बावजूद अपना घर छोड़ दिया। सिर्फ 37 साल की चीनू काला की कहानी अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। निराशा में भी ढूंढ ली अपनी जीत की जिद। 15 साल में घर छोड़ने वाली चीनू काला नहीं जानती थी कि वो कभी 300 करोड़ की मालकिन बनेगी। हाँ, वो इतना जरूर जानती थी कि वो कुछ तो करेंगी, यूं ही समय को जाने नहीं देंगी। आज वो एक फैशन एक्सेसरी ऑनलाइन ब्रांड रुबांस एक्सेसरीज की ओनर है। उन्होंने बचपन से ही ऐसे सपने देखे कि वो आगे बढ़ती गई, कभी भी पीछे नहीं हटी। घर छोड़ने के बाद बेचती थी चाकू और कोस्टर। जब उन्होंने घर छोड़ा तब वो बहुत कमाई की थी, फिर भी उनको ये पता था कि अपने गुजर बसर करने के लिए कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा। ये सोचकर उन्होंने चाकू और कोस्टर बेचना शुरू कर दिया, जिसमें प्रतिदिन 20 रुपए कमाती थी। चीनू काला की कामयाबी के कुछ किस्से। चीनू काला ने खुद को परखने के लिए अलग अलग जगहों पर 8 साल तक जॉब की, फिर 2004 में उन्होंने बेंगलोर में शादी की। 2008 में चीनू काला ने मिसेज इंडिया पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, इसमें ये फाइनल राउंड में पहुंच गई। फाइनल राउंड में पहुंचकर चीनू काला ने मॉडलिंग दुनिया में कदम रखा। इसके बाद फोटो कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस के साथ काम किया। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए चीनू काला के पास पैसे नहीं थे, तब उन्होंने कॉर्पोरेट मर्चेंडाइज में अपने करियर की शुरुआत की। कॉर्पोरेट मर्चेंडाइजिंग के अनुभव व फैशन के प्रति अपने प्यार को देखते हुए चीनू काला ने फोनेट कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस को बंद कर 2014 में रुबांस एक्सेसरीज की स्थापना की। ज्वेलरी बिजनेस शुरू करते हुए उन्होंने फील किया कि भारतीय आभूषण उद्योग में एक बहुत बड़ा अंतर है। तब उन्होंने बैंगलोर में 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ फीनिक्स मॉल में काम की शुरुआत की। 5 सालों में ही कंपनी ने 7.5 करोड़ रुपए तक का सफर तय किया। मॉल में स्टोर खोलने के बाद उन्होंने 15 दिन में अपने गहने बेचकर 15 लाख रुपए कमाए। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा स्टोर खोला। इस तरह से उनके स्टोर भारत के कई हिस्सों में खुलते गए। आज चीनू काला गहनों को खुद डिजाइन करती हैं। इसके बाद इन्होंने ऑनलाइन भी काम शुरू कर दिया। अब उनका सारा बिजनेस ऑनलाइन आ गया है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।